अरे जल्दी कर इससे पहले कि तेरा मालिक आ जाए। हो गया, उल्टा कर इसे। अपना हिसाब ना बाहर मिलकर करेंगे। ठीक है। रुको, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। पैसे तो ले जाते साहब। पैसे तो दे दिए मैंने, आपने मुझे पैसे दिए तो थे। ओ हाँ, पैसे तो मैंने तुम्हें दे ही दिए थे। अभी याद आया मुझे, खाली सिलेंडर तो ये लेके जा रहा है, लेकिन साथ में ना मेरा एक और सामान लेके जा रहा है ये। वो सामान तू मुझे दे दे और सिलेंडर ले जा। साहब कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तो बस सिलेंडर लेकर जा रहा हूँ, मैं आपका थोड़ी कोई सामान लेकर जाऊंगा। अबे ओए, तू मेरा साला नहीं है जो मैं तुझसे मजाक करूंगा। अभी भी तुझे बोल रहा हूँ कि मेरा सामान दे जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कब से यही हूँ कि आपका कोई सामान लेके नहीं जा रहा, कि बस सिलेंडर ही लेके जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था नेहा कि तुम ऐसा करोगी। तुम जब सिलेंडर वाले से फोन पे बात कर रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था। हेलो, कहाँ है तू? अरे जल्दी से आ जा, यही सही समय है चोरी करने का। तुझे पता है मेरे साहब ना आज बैंक से नोटों की गड़िया लेकर आए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तू एक काम कर, तू ना फटाफट से सिलेंडर लेकर आ जा, और सिलेंडर के नीचे ना मैं सारे पैसे छुपा दूंगी। बस तू भरा हुआ सिलेंडर छोड़ जाइयो और खाली सिलेंडर लेकर चला जाइयो। और क्या, फिर साहब को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने चोरी करी है। उनको कैसे पता चलेगा, वो तो ढूंढते रह जाएंगे। कितना भरोसा करके मैंने तुम्हें काम पे रखा था, और तुमने क्या किया, मेरे भरोसे को तोड़ दिया। इसके साथ मिलके मेरे घर में चोरी कर रही थी, और कितना अच्छा तरीका अपनाया ना तुमने चोरी करने का, सिलेंडर के नीचे पैसे छुपा कर ले जा रही थी। साहब, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। साहब, साहब मैं आपके घर में इतने टाइम से काम कर रही हूँ, आपने कभी मुझे देखा चोरी करते हुए? नहीं ना साहब। साहब ये सब कुछ ना इसका किया धरा है। साहब ये मुझे धमका रहा था, अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया ना तो ये मेरी बहन को अगवा कर लेगा। बस मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। सर ये तो सब कुछ झूठ बोल रही है, मैं तो बस घर घर जाकर सिलेंडर सप्लाई करता हूँ। वो तो इसी ने मुझे कॉल करा और कहा मेरे साहब के पास बहुत सारे पैसे हैं, और मुझे प्लान बताया, तू आ जा मैं तुझे सिलेंडर में पैसे छुपा कर दे दूंगी और तू लेकर चला जाइयो। बस सफाई मत दो तुम दोनों मुझे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चोरी तुम दोनों ने मिलके ही की है, और अब जब तुम दोनों फंस गए हो तो इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी ना बातों में आने वाला नहीं हूँ, तुम दोनों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उस कैमरे में तुम दोनों की चोरी रिकॉर्ड हो गई है। साहब प्लीज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया ना तो हमारी तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। आपको तो आपके सारे पैसे वापस मिल गए हैं ना, मैं वादा करती हूँ साहब ऐसा काम मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं ये सब छोड़ दूंगी, मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगी, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। साहब प्लीज साहब, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। बस करो, चाहता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें सजा दिलवाना ना बहुत जरूरी है, अगर मैंने तुम्हें सजा नहीं दिलवाया तो तुम किसी और के घर भी जाके यही काम करोगी, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब चलो मेरे साथ, अब खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, चलो।